हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया, कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। काफी लोगों को बात अच्छी लगे, दूसरों को ना लगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं ये लोग। और आज देख लीजिए इकोनॉमी की हालत, देख लीजिए बेरोजगारी, देख लीजिए। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, रास्ता है, उस पर चलने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों। यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।